कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। आइन कहता है इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के आवाम ताकत का महवर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट आवाम की राय का मजहर है। इजलास में फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों और जवानों को खराज तहसीन पेश। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन फंड से मुतालिक हुक्म। कौमी असेंबली का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। स्पीकर ने 26 अप्रैल के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया। तमाम अराकीन को इजलास में शिरकत की हिदायत। इलेक्शन फंड्स की अदम फराहमी, बड़ी अदालत के बड़े अहकाम। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस की इन चैम्बर समात में अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौके पर सख्त सवालात का सामना रहा। बाजाबता हुक्म कुछ देर में जारी होगा। एग्जेक्टिव के ऊपर ये लाजम है आर्टिकल 190 के तहत, आर्टिकल 204 के तहत और आर्टिकल 189 के तहत कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एग्जेक्टिव कह रही है कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे और वो पार्लियामान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आ चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं इम्प्लीमेंट होता तो फिर देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो बतौर इदारा उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। एग्जीक्यूटिव ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना है। हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अक्टूबर में भी पीटीआई की मकबूलियत नजर आई तो हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी। हुकूमत पार्लियामेंट को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है। 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करना आइन पर हमला है। शेख रशीद ने कहा ये नाअहली के कटहरे में आएंगे। फतह अदलिया की होगी, हुकूमत हारेगी। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो हक परस्त हैं और हक की आवाज़ उठा रहे हैं। आईन पे मुल्क चलेगा तो हर किसी को उसका हक मिलेगा। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट पे आईनी तरामीम की शक्ल में आके हमलावर हो। मुल्क भर के वकला की शराय दस्तूर पर आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली। आजम स्वाती और अली मोहम्मद खान ने भी पुरान एहतजाज में हिस्सा लिया। बोल से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा आइन के लिए वकला शराय दस्तूर पर हैं, मुल्क भर के वकला आदिया के साथ खड़े हैं। मुल्क में शदीद आइनी बहरान और लाकानूनियत। इमरान खान आज रात 9:30 बजे कौम को एतमाद में लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ये सब एनआरओ के लिए इंतखाबात से भागना चाहते हैं। पीटीआई कारकुनों को खौफजदा करने के लिए लापता किया जा रहा है। लाकानूनियत से ही मुल्क बनाना रिपब्लिक बनता है। मार्केटिंग हेड आकाश राम का 3 रोज बाद भी कुछ पता ना चल सका। वालदा गम से निढाल, बेटे की बाजियाबी के लिए पुरजोर अपील। सिसकती मां ने फरियाद की आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। अदालत और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है बेटा वापस दिलवाएं। पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। हमने सबसे बात की है बट हमें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सब कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं, बस आप इंतजार करें। पर्टिकुलरली बोल टीवी, वी हैज बीन फेसिंग दिस सिचुएशन फॉर क्वाइट सम टाइम। बोल न्यूज का इंटरनेशनल प्रेसर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। आकाश राम का अगवा आलमी और सोशल मीडिया पर टॉप हेडलाइन। CNN समेत भारतीय मीडिया पर चर्चा। अगवा को लाकानूनियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ दिया गया। दुनिया में पाकिस्तान की जगह हसाई। आलमी सहाफती तंजीमें भी सिरापा एहतजाज बन गई। भक्कर में अली अमीन गंडापुर की इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। पीटीआई रहनुमा को दाजो चेक पोस्ट हमला केस से डिस्चार्ज कर दिया। थाना सराय महाजिर में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर, 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले। तीसरे मुकदमे में ATC सरगोधा में कल पेश किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, लिखा अली अमीन गंडापुर के साथ सलूक की शदीद मजम्मत करते हैं। IMF से कर्ज के लिए मुआहदा, मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। UAE की पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फराहमी की IMF को तस्दीक। इसहाक डार ने ट्वीट में लिखा स्टेट बैंक और UAE दस्तावेजी कार्रवाई में मसरूफ हैं। चीन की तरफ से आज 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। रकम 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए सऊदी अरब की तस्दीक बाकी है।
गवर्नर सिंध और हाफिज नईम की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, तशरीफ लाएं, आपको गवर्नर हाउस में पकौड़े खिलाएंगे। हाफिज नईम बोले, आप शहर की हालत दुरुस्त कर दें, लोग अपने पकौड़े खुद तल लेंगे। और फैसलाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने पर खवातीन का जंग, रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल, हुकूमत के खिलाफ रमजान में आटा चोर के नारे। मुल्तान में सिस्टम की खराबी, मुफ्त आटा पॉइंट बंद। सुबह से आए सैकड़ों मर्द और खवातीन रोजे की हालत में रुल गए, कहा किराया खर्च करके आए हैं लेकिन आटा नहीं मिल सका। सरहदों की हिफाजत हो या समाजी खिदमत, पाक फौज पेश पेश। करक में शहद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया। मकामी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ शहद बरामद भी किया जा सकेगा। इलाके में खुशहाली आएगी, अहले इलाका के रोजगार में इजाफा होगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। होल्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो कुआन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।